चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता। 2023 में भारत में होगी G20 की बैठक, G20 समूह के सदस्य देश में होंगे शामिल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सौंपी अध्यक्षता, बाली शिखर सम्मेलन के समारोह में सौंपी अध्यक्षता। बता दें कि 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर लोग लेगा अध्यक्षता भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 दिसंबर से भारत आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता लेगा G20 की, और इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता। बड़ी खबर आपको बता दें, 2023 में भारत में होगी G20 की बैठक। बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सौंपी अध्यक्षता। बड़ी खबर आपको बता दें कि 2023 में भारत में होगी G20 की बैठक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सौंपी अध्यक्षता। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद है, और पूरी बैठक में, पूरी सभा में जो है उन्हें अध्यक्षता सौंपी गई। अगले साल G20 की बैठक भारत में ही होगी। चलिए इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उदय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब भारत की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। स्मिता, आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली हो रहे G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है, और इस दौरान अगर बात करें तो कई देशों के बीच आज अहम बैठकों का दौर जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जैसा कि आपने सवाल किया कि इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है, तो जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, और हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठकें आयोजित करेंगे, और हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता और समाज देशी परंपराओं, और इसके अलावा जो महत्वाकांक्षी निर्णायक भूमिका है वो भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग ने लुंग ने इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो के साथ भी उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज 5 जो बड़े देश हैं, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे, और कई वैश्विक मुद्दे हैं उन पर आज चर्चा की जाएगी। कह सकते हैं कि भारत जो है वो 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत का यही उद्देश्य है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से कई मुद्दे इस वक्त दुनिया को घेरे हुए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो युद्ध हो, या इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है, ये सब बड़े मुद्दे हैं, इसको लेकर भारत जो है वो दुनिया के देशों को एक साथ लाने की कोशिश करेगा और इन मुद्दों पर प्रमुखता से बात करेगा। अभिनेता जी, बिल्कुल उदय, और हमें भी यही उम्मीद है कि भारत को जो अध्यक्षता मिली है उस पर अच्छे से काम होगा आने वाले समय में, और बैठक भी क्योंकि आने वाले सत्र की भारत में ही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा, और काफी बड़ी खबर है ये हमारे देश के लिए, क्योंकि G20 जो है अगले साल G20 की बैठक भारत में ही होगी, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अध्यक्षता भारत को सौंपी है। बता दें कि अभी बाली के शिखर सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, साथ ही मलेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी देशों के प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद थे, और आज